हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइनर चाइल्ड्स की इनकम माइनर चाइल्ड की इनकम किस तरह से टैक्सेबल होती है क्या माइनर चाइल्ड को अपना रिटर्न फाइल करना होता है या फिर उनकी इनकम अपनी पेरेंट्स की इनकम के साथ में क्लब होती है यानी क्लबिंग ऑफ रूल्स क्लबिंग ऑफ इनकम कौन सा रूल्स यहाँ पर एप्लीकेबल होता है ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला सबसे पहले बात करते हैं कि माइनर चाइल्ड किस तरह से इनकम अर्न करता है सबसे पहली जो इनकम होती है वो इनकम इनकम। होती है अन दैट व्हेन द चिल्ड्रन अन मनी थ्रू देयर स्पेशलाइज स्किल्स लाइक विनिंग इन कॉन्टेस्ट कंपटीशन टूर्नामेंट एफ। यानी कि अगर कोई छोटा बच्चा जिसकी एज एटीन ईयर से कम है वो अगर अपनी स्किल से पैसे कमाता है उसके पास में टैलेंट है कहीं कंपटीशन में जा रहा है कहीं रेस में जा रहा है वहां से अगर विनिंग करके पैसा कमाता है अपने स्किल से पैसा कमाता है उसको बोलते हैं अन इनकम इस इनकम के आधार पर उसको स्वयं को यानी कि खुद को अपना रिटर्न फाइल करना होता है दूसरी इनकम आती है अन इनकम अन इनकम का मतलब होता है कि सर वो इनकम जो अपने पापा ने अपने बेटे के नाम पर कोई इन्वेस्ट करके रखा हुआ है कोई गिफ्ट दिया था वो इन्वेस्ट पर उनको एफ पे जैसे कोई इन्वेस्ट किया हुआ तो वहां से उसको इंटरेस्ट इनकम आ रही है कहीं म्यूचुअल फंड में या कहीं पर भी इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से उसको कोई गेन हो रहा है तो ऐसी इनकम ऑन है अब बात करते हैं इट इज मैंडेटरी फॉर माइनर चाइल्ड फाइल एंड इनकम टैक्स रिटर्न क्या माइनर चाइल्ड को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है इट इज मैंडेटेड टू एवरी वन टू फाइल इनकम टैक्स इफ एनी फॉल अंडर द कैटेगरी वे द इनकम इज बेसिक देशन लिमिट सर अगर आपकी इनकम बेसिक एक्सम्पन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो किसी भी पर्सन को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है इंक्लूडिंग माइनर माइनर में इसमें आ जाता है अगर उनकी बेसिक लिमिट से क्रॉस है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है लेकिन किस केसेज में माइनर आर आल्सो लाइबल टू पे टैक्स द माइनर विल इनकम कैन फाइल आई टी आर थ्रू फॉलोइंग मोड कैसे ऑन दिज ओवन द माइनर आई टी आर हिल्प सेल अगर सर वो अन इनकम कमाता है अन इनकम का मतलब अपनी स्किल से पैसा कमाता है तो उसको अपना खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है उनका एक पेन कार्ड बनाया जाता है और खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल फाइल करना है। अपने पेरेंट्स पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव उसका इनकम इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते है विद ऑफ सर ऐसे केसेस में जहां पर क्लबिंग ऑफ इनकम का रूल्स एप्लीकेबल होता है वहां पर अपने पेरेंट्स के इनकम के साथ में उनकी इनकम क्लब होती है उनको इनकम टैक्स यानी कि माइनर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अब यहां पर 64 फोर सबसेक्शन आई ए किस तरह से एप्लीकेबल होता है यानी कि माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स की इनकम के साथ में कब क्लब होती है ये होती है सर अन इनकम अन इनकम का मतलब सिंपल सा ये कि अगर उन्होंने Osionfish. पापा ने अपने बेटे के नाम पे एफडी करवा के रखी है पापा ने अपने बेट, बेटे के नाम पे कोई इन्वेस्ट करके रखा है कोई भी गिफ्ट दिया वहां से अगर कोई भी इनकम आ रही है तो वो इनकम अपनी पेरेंट्स की इनकम के साथ में क्लब होती है अब यहां पर अगर सर पंद्रह सौ रुपए से कम की इनकम जनरेट करता है तो है और अगर पंद्रह सो रुपए से ज्यादा की इनकम होती है ईयरली तो वो किस केसेस में वो अपने पेरेंट्स के इनकम में एड हो जाती है अब यहां पर बात करते हैं सर रूल ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम

पर्सन यानी कि उस पेरेंट्स के यानी पापा के या फिर मम्मी के जिसकी इनकम ज्यादा है उसमें ऐड होगी अगर पापा रिटर्न भर रहे हैं नाइन लेख का मम्मी रिटर्न भर रही है सेवन लेख का तो म, पापा की इनकम में अपने माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम है वो इनकम पापा के इनकम में ऐड होगी और पापा को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और उसकी इनकम के साथ में इफ द पेरेंट्स आर डिवोर्स

ऐसे केसेस में माइनर चाइल्ड को अपना खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है अ गार्जियन ऑफ द माइनर चाइल्ड कैन फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न सच केसेस ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर यानी कि सर उनका जो गार्जियन है वो माइनर के बिहा पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है लेकिन यहां पर पेन नंबर सिर्फ माइनर का लगेगा माइनर के पेन नंबर से ही लॉगिन होगा और उसी के आधार पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा

If minor have 18 एज 18 ईयर से अबो हो जाती है तो उसकी जो भी इनकम आती है वो पेरेंट्स की इनकम के साथ में एड नहीं होती है वो स्पेशली खुद अपना इनकम टैक्स सेपरेटली फाइल करेगा देर आर दू एक्से कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर माइनर को अपना खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है सेपरेटली वो अपने पेरेंट्स की इनकम के साथ में क्लब नहीं होती है कैसे एक्सपर्टाइज और स्किल्स स्किल्स यानी कि खुद खुद की की या के आधार पर अगर वो इनकम अर्न करता तो अपना सेपरेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा मैनुअल वर्क अगर मैनुअल वर्क करता है मैनुअल वर्क से अगर उसकी कोई भी इनकम होती है तो भी और डिसबिलिटी अगर पर्सन फोर्टी परसेंट से ज्यादा की अगर कोई डिस है और फिर भी अगर कोई इनकम अर्न कर रहा है तो सर ऐसे केसेस में उसको स्वयं को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है पेरेंट्स की इनकम के साथ में ऐड नहीं होगा व्हाट इज द डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर माइनर टू फाइल ऑन रिटर्न अगर माइनर को अपना खुद का रिटर्न फाइल करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है पैन कार्ड इनकम डिटेल्स डिटेल्स ऑफ सेविंग यानी फिक्स आईडी की जरूरत है e पर चाहिए आपको, और अपडेटेड बैंक डिटेल्स चाहिए अकाउंट नंबर तो ये है माइनर चाइल्ड की इनकम किस तरह से टैक्सेबल होती है ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर कवर किया तो आज के लिए बस इतना नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं तब तक के लिए थैंक यू सो मच